कि भाई जो करना हो जल्दी करो, इतना विलंब न्याय में होना उचित नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस बारे में आम सहमति बन जाए लोगों में कि वो सुलह समझौता करके मंदिर मस्जिद जो भी निर्माण करना है कर लें, तो ये बात खत्म हो जाएगी। तो हम लोगों ने संकल्प लिया, चलो सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है तो आम सहमति ही बना ली जाए। तो बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को हम लोगों ने अप्रोच किया, संपर्क किया, तैयार किया, और उसमें ये बात आई कि आपस में बैठ के सुलह समझौता हो जाए तो ये हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके ये समस्या हरदम के लिए खत्म हो जाए। और तब हम लोगों ने समझाया मुस्लिम भाइयों को कि देखो भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो है वो खाली भगवान ही नहीं है, इस देश के सभी लोगों के पूर्वज हैं, क्योंकि उस समय तो इस्लाम का प्रादुर्भाव तो अभी मात्र 1300-1400 साल पहले हुआ है, और राम जी का समय तो 5000 साल पहले है, तो तुम्हारे भी पूर्वज हैं वो। अब ये बात और है कि इतने समय में कभी जजिया टैक्स के डर से कुछ लोगों ने कि हमको गरीब लोग थे तो पैसा ना देना पड़े बहुत फालतू, तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है हम भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं, या कुछ लोगों ने डर से कि हमारी नवाबी चली जाएगी या हमको दिक्कत हो जाएगी, तो लोगों ने कुछ डर से और कुछ लालच से कबूल कर लिया था। ज़्यादातर इस देश के मुस्लिम भाई भी सब हिंदू ही हैं, हिंदुओं की संतानें हैं, खाली ये है कि बीच में थोड़ा दबाव और थोड़ा लालच की वजह से उन लोगों ने, तो उनको समझाया गया कि भाई राम जी तुम्हारे भी पूर्वज हैं, तो सब लोग सहमत हो जाओ कि यथासंभव जल्दी वहाँ मंदिर का निर्माण हो जाए और हिंदू मुस्लिम एक रहें, जब एक रहेंगे तभी देश की तरक्की होगी, किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी को परेशानी ना हो, सोचे निकाले। तो मैं आज लोगों के माध्यम से आज आम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में 28 अक्टूबर को एक जजमेंट में ये भी कहा कि भाई अगर ये आस्था का विवाद नहीं है, ये हमारे लिए तो जमीन का विवाद है कि जमीन इनकी ही जमीन उनकी है, तो अगर राज्य सरकार चाहे तो जमीन को अधिग्रहण कर ले और अधिग्रहण करके और उसका दाम उन लोगों को दे दे जिनकी जमीन है वो, तो ये एक ऑप्शन हुआ। एक हुआ कि अगर जनभावना इतनी ज्यादा 95% आज की डेट में लोग तैयार हैं कि हाँ ये मंदिर शांति से बन जाए ताकि ये बहुत पहले का पेंडिंग विवाद खत्म हो, तो अध्यादेश एक ले आया जाए और कानून बन जाए अध्यादेश के माध्यम से हो जाए। या तीसरा, कुछ लोगों ने ये भी रास्ता निकाला कि अगर फिर भी शक हो तो एक रिफ्रेंडम करा लो, संविधान में अपने एक व्यवस्था है, एक जनमत संग्रह करा लो और लड़ाई झगड़ा ना हो, शांति से मतदान हो जाए, जनमत संग्रह करके ज्यादा बहुमत जो चाहता हो। तो स्पष्ट है कि जब 95% लोग चाह रहे हैं तो ये मामले में फिर से कोई लड़ाई झगड़ा हो, मान लो पड़ा रहा मामला, तो जैसे कहते हैं कि दोस्तों फोड़ा जो बहुत दिन पड़ा रह जाता है तो नासूर बन जाता है, तो ये मामले में अब फिर वही टेंशनबाजी दिख रही है, तो टेंशनबाजी ना हो इसके लिए हम लोग निकले हैं कि आम सहमति से शांतिपूर्वक ये राम मंदिर का निर्माण हो जाए। और तरह तरह के लोगों ने तर्क भी इसके दिए कि नदवा में जो अली मियां नदवी जी थे तो बहुत सम्मानित हस्ती थे, इस्लाम के बड़े नॉलेजेबल विद्वान थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि किस तरह से ये वहाँ पर जो पुराना मंदिर था उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, बाबर के एक सिपा सालार थे मीर बाकी, उन्होंने बाबर को खुश करने के लिए देखिए हमने इस्लाम के लिए उसको तोड़ करके बना दिया है, कि मंदिर भी जहाँ हम लोगों के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है कि अगर वहाँ राम जी का मंदिर है तो न केवल वो हमारे भगवान हैं बल्कि वो हमारे लिए एक आदर्श महान मानव भी है। उस तरह की कल्पना हम लोग करते हैं कि हमारे नए बच्चे जो निकले तो राम जी की तरह सबका सम्मान, सबके साथ विनम्रता, सबके साथ प्रेम का व्यवहार और सबकी चिंता करें, तो इसलिए कि भाई जो करना हो जल्दी करो, इतना विलंब न्याय में होना उचित नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस बारे में आम सहमति बन जाए लोगों में कि वो सुलह समझौता करके मंदिर मस्जिद जो भी निर्माण करना है कर लें, तो ये बात खत्म हो जाएगी। तो हम लोगों ने संकल्प लिया, चलो सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है तो आम सहमति ही बना ली जाए। तो बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को हम लोगों ने अप्रोच किया, संपर्क किया, तैयार किया, और उसमें ये बात आई कि आपस में बैठ के सुलह समझौता हो जाए तो ये
हिंदू मुस्लिम दोनों मिल करके ये समस्या हरदम के लिए खत्म हो जाए। और तब हम लोगों ने समझाया मुस्लिम भाइयों को कि देखो भाई, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हैं वो खाली भगवान ही नहीं हैं, इस देश के सभी लोगों के पूर्वज हैं, क्योंकि उस समय तो इस्लाम का प्रादुर्भाव तो अभी मात्र 1300-1400 साल पहले हुआ है, और राम जी का समय तो 5000 साल पहले है, तो तुम्हारे भी पूर्वज हैं वो। अब ये बात और है कि इतने समय में कभी जजिया टैक्स के डर से कुछ लोगों ने कि हमको गरीब लोग थे तो पैसा ना देना पड़े बहुत फालतू, तो कुछ लोगों ने कहा ठीक है हम भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं, या कुछ लोगों ने डर से कि हमारी नवाबी चली जाएगी या हमको दिक्कत हो जाएगी, तो लोगों ने कुछ डर से और कुछ लालच से कबूल कर लिया था। ज़्यादातर इस देश के मुस्लिम भाई भी सब हिंदू ही हैं, हिंदुओं की संतानें हैं, खाली ये है कि बीच में थोड़ा दबाव और थोड़ा लालच की वजह से उन लोगों ने, तो उनको समझाया गया कि भाई राम जी तुम्हारे भी पूर्वज हैं, तो सब लोग सहमत हो जाओ कि यथासंभव जल्दी वहाँ मंदिर का निर्माण हो जाए और हिंदू मुस्लिम एक रहें, जब एक रहेंगे तभी देश की तरक्की होगी, किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी को परेशानी ना हो।